का यहाँ पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल शुक्रिया मोदी जी के अभियान के ऊपर ही हम लोग कर रहे हैं। और एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए कहीं नहीं डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक जब हमारी एक डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल उदाहरण स्वरूप आपको बोलते हैं, जब हमारी एक मैनिफेस्टो रिलीज होती है चुनाव से पहले कि कांग्रेस वाली है INDOT.D.I.ELANS जैसे नहीं है हमारी कि बस यूं ही मैनिफेस्टो डाल दिए, नहीं, हमारी मैनिफेस्टो एक रिसर्च डॉक्यूमेंट होती है। भारतीय जनता पार्टी की हर काम, हर कार्य एक रिसर्च एनालिसिस, उसके बाद एक स्ट्रैटेजी के बाद फॉर्मुलेट होती है। बस यूं ही अभी दिल हो गया, कर लिए, बस फिर दूसरे दिन बदला लिए, वैसे नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि सभी के जितने हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति, जो अंत्योदया के आधार पर हम लोग, हमारी समाज, हमारी पार्टी चलती है, हमारी अंतिम व्यक्ति के रिक्वायरमेंट क्या है, दर्द क्या है, उसी के दर्द क्या है, जो पेन क्या है, उसी के हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हो रही है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं, जिसके लिए आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समुदाय के हमारे नेताएँ ज़्यादा हैं, समर्थन कर रही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तहत ही बदलाव संभव हुई है एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। डेफिनेटली विश्व रिसर्च इंचार्ज है, इसलिए हमारे पास हर डेटा है। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे पास पूरे रिपोर्ट है, हम आपके हाथ सौंप देंगे। साथ ही में हम आपको ये भी बतलाना चाहते हैं कि एक समय थी कि पहले जब महिलाएं अपने घर में शौहर के साथ कुछ टूटू में होती थी तो शौहर बोला करते थे तुम घर से निकल जाओ। मोदी जी के सरकार के आने के बाद वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गृह मिले हैं हमारी माता और बहनों के नाम मिले हैं, जहाँ पे शौहर नहीं बोल सकते आप घर से बाहर चले जाइए, क्योंकि आज के तारीख में घर अपनी महिला, अपनी जो माता है उनके नाम पे घर हुए हैं। और रही बात आपकी डेटा एनालिसिस में हमारे जितने बेनिफिशरीज हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लेके, जनधन योजना से लेके, बेटी बचाओ से लेके, हमारी जितनी योजनाएं हैं एग्जैक्ट डिटेल ऑफ बेनिफिशियरीज आपको हम दे देंगे। और साथ ही में ये भी कहलाना चाहते हैं कि उज्ज्वला योजना में 37% हमारे मुस्लिम बहनों को मिले, मुस्लिम समाज नहीं, मुस्लिम बहनों को, ओनली वुमेन, एंड आई एम नॉट जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट कश्मीर, ऑल ओवर द कंट्री। और रहा बात कश्मीर के आपको और मैं ज़मीनी हकीकत दिखा दूंगी, आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। मैडम, ब्रेकिंग न्यूज़ आपने दे दिया हमें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत।